हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं क्रिस्पी सूजी आलू फिंगर्स। बहुत ही इजीली ये बन जाते हैं, कोई ज़्यादा इंग्रेडिएंट की इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती। आप इसे शाम के चाय के साथ गरम गरम बना के इजीली खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी लगता है, बच्चों को तो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं इस तरह के स्नैक्स, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सबसे पहले अगर आपने हमीदा किचन को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले प्लीज़ हमीदा किचन को सब्सक्राइब कर दीजिए और हमारे लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और प्रेस कीजिए बेल आइकॉन पर ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जिस पोटैटो फिंगर्स बनाने के लिए पहले हम एक बर्तन में आधा कप पानी लेंगे। पानी गर्म होने पर इसमें हम सूजी डालेंगे हाफ कप। जितना हमने पानी लिया है उतने उसके बराबर हमने सूजी ली है। गैस ऑफ कर देंगे, इसे मिक्स करके ढक के 5 मिनट हम इसे भिगोने के लिए रख देंगे। जब तक सूजी हमारी रेस्ट पर है तब तक हम ये हमने 4 बॉइल्ड आलू लिए मीडियम साइज के। इसे हम पहले ग्रेट कर लेंगे यानी कद्दूकस कर लेंगे। आलू हमारे अच्छे से ग्रेट हो चुके हैं। अब ये जो सूजी को हमने 5 मिनट भिगोने के लिए रखा था इसे हम पहले अच्छे से चम्मच से मिक्स करेंगे। सूजी को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है, अब इसे हम एक बॉल में निकाल लेंगे। अब इसमें हम जो हमने आलू को ग्रेट किया था वो इसके साथ मिक्स करेंगे। 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च और आप तीखा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले सकते हैं। चाहे तो अगर आप बच्चों के लिए बना रहे तो और इसमें तीखा कम कर सकते हैं। थोड़ी सी धनिया, स्वाद अनुसार नमक, इसे हम साफ हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम ज़्यादा इंग्रेडिएंट का यूज़ नहीं कर रहे क्योंकि आप इसे बच्चों के लिए भी आसानी से बना सकते हैं, इसलिए हम इसमें बहुत ही कम और इसे इंग्रेडिएंट का यूज़ कर रहे हैं और इसे बिल्कुल सिंपल बना रहे। और आप चाहे तो इसमें आप अगर दूसरी चीज़ ऐड करना चाहते हैं, दूसरे इंग्रेडिएंट्स मसाले, तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। ये मिश्रण हमारा मिक्स हो चुका है और इसे हमने थोड़ा टाइट रखा है डो की तरह, आप देख सकते हैं। अगर आपका मिश्रण नमक डालने से ढीला हो जाता है तो आप उसमें और सूजी ऐड कर सकते हैं। अगर आप ज़्यादा ढीला होगा आपका मिश्रण तो जो है आपके फिंगर्स है वो बन नहीं पाएंगे, तो आपको इसे इसी तरीके से टाइट रखना है। और अगर ढीला हो जाए तो उसमें सूजी ऐड कर दीजिए। हमने हाथों में ऑयल लगा लिया अच्छे से ताकि ये चिपके ना हाथों में। अब इसके हम थोड़ा थोड़ा मिश्रण लेके फिंगर्स बनाएंगे, आप देख सकते हैं। और ये आप अपने हिसाब से छोटे बड़े बना सकते हैं। इसे हम ऑयल में डालेंगे, अब इसे हम साथों साथ बनाते जाएंगे और ऑयल में फ्राई करते जाएंगे। और ऑयल की फ्लेम को हमने लो मीडियम पे रखा है। आप देख सकते हैं ये जो हमारे फिंगर्स है ये अपना ऑयल में ऊपर आने लगे हैं। इसे हम ऐसे ही फ्राई करेंगे गोल्डन और साथों साथ बना के दूसरे फिंगर्स हम इसमें डालते जाएंगे। और जो फ्राई हो गए हैं वो कढ़ाई से हम बाहर निकाल लेंगे। बस ऐसे ही हम सारे फिंगर्स बनाते जाएंगे और साथों साथ उसे फ्राई करते जाएंगे। और उसे गोल्डन फ्राई करना है हमें। और ध्यान रखिए आप एक साथ कढ़ाई में ज़्यादा ना डालें, नहीं तो ये जो फिंगर्स हैं वो आपस में चिपक जाएंगे। लीजिए, ये हमारे सारे सूजी आलू फिंगर्स फ्राई करके रेडी हो चुके हैं। अब इसमें हम
थोड़ा सा चाट मसाला डालेंगे थोड़ा चटपटा बनाने के लिए इसे, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आप खाना पसंद नहीं करते इसे चाट मसाले को तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपने देखा ये सूजी पोटैटो फिंगर्स बनाना कितना इजी है, बस थोड़ी सी इसमें टेक्निक की ज़रूरत है, कुछ ज़्यादा इसमें इंग्रेडिएंट्स की भी ज़रूरत नहीं है, आप इसे बिल्कुल आसानी से घर पे बना सकते हैं। तो एक बार ज़रूर ट्राई करें इस इजी रेसिपी को। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमीदास किचन को सब्सक्राइब कीजिए, और आप अपने कमेंट भी हमें भेज सकते हैं। अब हम आपको मिलेंगे अगली रेसिपी में, तब तक के लिए थैंक यू।